मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक भ्रांति भी है कि दारू के पोवा लेकर कोई वाल्मीकि समाज के लोग दलित लोग इस गठन, ऐसा नहीं है। ये दारू पीना एक मानसिकता अलग है, लेकिन हम लोगों के ऊपर ठप्पा लगाया हुआ है ये कि ये शायद यही वर्ग दारू पीता है। अगर केवल हमारा ही वर्ग दारू ना पीता तो जो इतना यहाँ पर फंड इकट्ठा हो रहा है दारू के उसमें, तो वो कभी ना होता, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है। हमने इसी माध्यम से और महर्षि वाल्मीकि शक्ति मंच के माध्यम से एक बार दिल्ली के ठेकों का सर्वे कराया, जिसमें हमने 10 ठेके चिन्हित किए और उसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो लाइन लगी हुई थी, और हमने देसी ठेकों की शराब पर और जातिगत सर्वेक्षण किया हमने, और हमने जब जाना तो वहाँ पर पढ़ने वाले ठाकुर ब्राह्मण बेचारे अदर समाज के बहुत सारे लोग थे, लेकिन वाल्मीकि समाज का एक भी आदमी हमें वहाँ नहीं मिला था। ये भ्रांति पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए। वाल्मीकि समाज अगर दारू भी पीता, सारे समाज दारू पीते, लेकिन सर अभी जितने भी घोटाले हुए उसमें कोई दलित समाज का नहीं था, अधिकतर जो अदर, जो आपने बोला अदर समाज के लोग थे, लेकिन इन्हीं को क्यों टारगेट बनाया जाता है? थाने इनके, हॉस्पिटल इनके, राजनीति इनकी, तो ये क्या है जो आज लोग हम लोग आ रहे हैं, तो ये किसी भी पार्टी में हो, ये जब पता है एक दलित आदमी आ रहा, संघर्ष कर रहा है, ये ऊंचे बढ़ेगा तो उसको वहीं घेर लेते हैं, खुद ही मिलकर एक मोनोपोली चलाते हैं ताकि उसको कोई ना कोई ऊपर ठप्पा लगा दिया जाए, वरना एक भी दलित अभी भी करप्शन में नहीं पकड़ा गया जी, क्योंकि दलित ईमानदारी से इस देश की सेवा कर रहा है। सफाई कर्मचारी की भी अगर बात करें तो ईमानदारी से उस देश की सेवा कर रहा है, बताइए कितना संघर्ष, उससे ज़्यादा संघर्ष कौन कर रहा है? पुलिस का आदमी वो निकम्मा कहलाता है, सफाई कर्मचारी निकम्मा कहलाता है, लेकिन उसकी जगह कोई काम तो करके दिखाए, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए वो इस राष्ट्र की सेवा कर रहा है, यहाँ के नागरिकों की सेवा कर रहा है। सच्ची सेवा अगर कोई कर रहा है तो वाल्मीकि समाज कर रहा है। और ये जो जातिगत बात आपने कही है, ये मानसिकता से पीड़ित लोग हैं जो आज जातियों का नाम ले लेकर हम लोगों को छेड़ रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, हम थप्पड़ मारकर उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन सर आज जो इस सफाई कर्मचारियों की बात की, अधिकतर यही प्राइवेटाइजेशन में है, और जा तो अधिक रहे डिपार्टमेंट रहे, लेकिन इसी को टारगेट बनाकर अगर कोई अगर वहाँ से रिटायर होता है या बीआरएस लेता है तो उसकी जगह ठेके पे लिया जाता है। दिल्ली के अंदर सारे हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी हैं सबको ठेकेदारी में दे दिया, और इससे गंदी और मास्ता, इससे बड़े अंधे और कब लोग होंगे कि जहां एक मिनिमम वेजी 14,000 रुपये हो, उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों से इन्हीं सरकारी ऑफिसों में, इन मंत्रालयों में जहां दलितों की बात करते हैं, वहां पर 8,000 रुपये में 12 घंटे काम लिया जाता, शोषण किया जा रहा समाज का, आंखें मूंद के बैठे हैं क्या? इनकम टैक्स, सीबीआई, दिल्ली सरकार, सारे मंत्रालय, सारे हॉस्पिटल, जितने भी जगह आप जाकर देख लीजिए वहाँ पर किस तरह से शोषण किया जा रहा, और ये मंच पर खड़े होकर सब दलितों की बात करते हैं, ये धोखा है। हम दलितों को जागना होगा और अपना संघर्ष स्वयं करना होगा। देखिए सर, एक दलितों की बात आती है, अब दलित शब्द पहले हरिजन कहा जाता था, फिर दलित, फिर दुनिया भर के नाम दिए जाते थे, कुछ साथियों ने इस पर याचिका लगाई, आज कोर्ट के अंदर बात चल रहा, आज दलित शब्द को भी खत्म करने जा रहा है, आज बहुजन शब्द ला रहे हैं। देखिए ये अपनी अपनी एक मानसिकता है, किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। कुछ शब्द ऐसे थे यदि उनका आप संधि विश्लेषण किया जाए तो बहुत गंदे शब्द हैं, जैसे अभी किसी कुमार विश्वास ने कहा, या अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये फलाने की पार्टी नहीं है, अभी एक सलमान खान एक्टर ने कहा, यदि हम उस शब्द का पूरा का व्याख्या करें तो एक बहुत गंदा शब्द है, समझ रहे ना मेरा मतलब? सर भंग हो जाना, यानी कि जिसका समाज में सम्मान भंग हो गया हो उसको वो शब्द बोलते हैं। ये उस लोग से, उस चीज से हमें संबोधित करना चाहते हैं हमारे समाज को, क्यों? ये देश हमारा है, यहाँ के मूल निवासी हम हैं, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन आज ये चाहते हैं सत्तासीन हो जाए, पावर इन लोगों के हाथ में है, और उस पावर का मिसयूज कर हम लोगों को किसी न किसी स्तर पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।